हमने लास्ट क्लास में रिव्यू टैब बताया था, तो अपन यहाँ से ओपन कर लेते हैं। रिव्यू टैब में हमने कहाँ तक बता दिया था? ट्रांसलेटर या कमेंट्स भी बता दीजिए। ट्रांसलेट तक बताया था, ठीक है। तो आ गया था आपको यहाँ तक ये सारे ऑप्शन? ओके, तो चलिए अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है क्या? नेक्स्ट है आपका यहाँ पे न्यू कमेंट। आपको कमेंट देनी हो, आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है ऑप्शन, एमएस वर्ड में पढ़ा था आपने। तो पहले तो अपन यहाँ पे डेटा ले लेते हैं। तो फिर टू किया, फोर किया, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, टू की टेबल ले लेते हैं और साथ में थ्री की भी ले लेंगे। थ्री और इन चारों को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे नीचे की साइड, ठीक है, और मूव करेंगे आगे की साइड। कहाँ तक लेने? 10 तक आती हैं आप सभी को? 5 तक आती हैं? अरे बहुत गलत बात है ये तो, ठीक है। आप जैसे कि आपको इस डेटा में कुछ ऐड करके रखना है, या फिर आपको यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं किसी किसी के, अपने आप कुछ कुछ नाम ले लेते हैं। मोहन ले लिया, सोहन ले लिया, ये कुछ नाम ले लिए। अब इन नाम में क्या करना है, आपको इन पर्सन की पूरी इंफॉर्मेशन रखनी है आपको। तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे जिस पे भी आप कमेंट देना चाहते हैं। रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे, कमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो इस टाइप से आ रहा है, यहाँ पे ये आईसीआई लिखा हुआ आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका यूज है क्या? हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये अपना यूजर है, मतलब यूजर नाम जो देते ना अपन, अकाउंट नेम। तो यहाँ पे इसलिए वो ये नाम पहले से ले रहा है। अगर आप इसको यहाँ से बैक स्पेस से रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करके आप कुछ और नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन तो सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। तो ये रहते हैं पूगन पुराना, हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं। वार्ड नंबर कुछ दे देते हैं, 32 दे दिया, ठीक है। ये उनका एड्रेस हो गया इसमें। इसका सेकंड पर्सन है, उसका भी आपको कुछ यहाँ पे देना है कमेंट में, तो वो दे देंगे आप। क्या ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिर सेकंड पर्सन की और भी देंगे, थर्ड पर्सन तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन अपन इतनी ही रहने देती हैं दोनों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ समझ आ रहा है, कमेंट दी है, क्या आ रहा है? हाँ, ये कॉर्नर पे थोड़ा सा रेड रेड साइन आ रहा है, तो मतलब आपने इसमें कुछ किया है। क्या किया है पता नहीं, तो आप इससे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो वो आपको बता देगा। हाँ, बिना क्लिक किए क्लिक करके रखेंगे तो भी वो आपको बता देगा, लेकिन आप बाहर कहीं माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो वो सो नहीं कराएगा, आपको उस पर माउस पॉइंटर रखना रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अभी अभी तो वो आपके क्या हो रही है, जब आप माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तब वो डेटा शो होता है आपको। आप चाहते हैं कि परमानेंट डेटा आपको शो कराना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शो ऑल कमेंट्स है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको शो हो जाएंगी ऑल कमेंट। जिस पे क्लिक करेंगे, जिस नाम पे क्लिक करेंगे, उस दोनों नाम की हो रही है। अब आपको जो भी कमेंट देखनी है उस पे आप क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगी आपको, ठीक है। क्लिक कर देंगे नीचे, देख तो रहा है, और ऊपर कर देंगे तो इसका आ फर्स्ट वाले का। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इनको शो नहीं कराना, तो आप इसको अनसेलेक्ट कर देंगे और डिलीट कर, यहाँ से प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हैं आप, प्रीवियस नेक्स्ट। और यहाँ से अगर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करके डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट हो जाएगी वो कमेंट, डिलीट कर देंगे। इसके बाद ये अपन कंट्रोल जेड करते हैं, तो इसमें कमेंट आ गई है नेक्स्ट।
इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एडिट कमेंट का ऑप्शन आ जाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं कमेंट में कुछ चेंजेस करना हो आपको। इसके बाद सो हाइड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो परमानेंट सो रहेगी आपकी, जैसे आपने यहाँ पे करा था ना उस टाइप से। और हाइड करना है तो आप इसको कर देंगे हाइड हो जाएगी। इसका इस ऑप्शन को सो लिंक को आप अनसेलेक्ट कर देंगे इसको सेलेक्ट करेंगे अनसेलेक्ट करेंगे आपको कुछ डिफरेंस समझ नहीं आएगा, ठीक है तो आ जाएगा नहीं आएगा ना कुछ बोल नहीं है पर आपने आ जाएगा। अपन इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये होते हैं आपके कमेंट्स ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट सी, ये आपने पहले भी पढ़ लिया, ये ऑप्शन कहाँ पड़ा है वर्ड में, नहीं वर्ड में सीट होती ही नहीं है, होम टैब में। एक तो आपने होम टैब में पढ़ा हुआ है, दूसरा जब आप सीट का रीनेम करते हैं तो यहाँ पे आता है प्रोटेक्ट सीट, यही है वो। तो आप क्या करना चाहते हैं, आपकी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कोई भी उसमें कुछ भी टाइप नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे। जिसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे पासवर्ड दे देंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड दिया, इस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे ना आप, तो टाइप नहीं होगी आपके सीट, तो कुछ भी डेटा फिल नहीं कर पाएंगे आप, आ रहा है। और आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बोल्ड इटैलिक वगैरह और ये कलर फिल कुछ भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन क्या लेकिन बताइए, हम बताते हैं इस सीट को आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि ये सीट वन है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इंसर्ट करनी है तो आपकी सीट इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है, ऑप्शन दे रहा है, या फिर आप हाँ कॉपी भी हो जाएगी। इसका डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं, रीनेम करना है तो आप यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे कॉपी करनी है तो कॉपी हो जाएगी, व्यू टैब अनलॉक टैब कलर, ये सारे ऑप्शन आपके हाईलाइट हो रहे हैं, मतलब आप इन सभी का यूज कर सकते हैं। तो हम करते हैं, देख इसको अपन ने सेलेक्ट किया, कॉपी कैसे करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी करेंगे और इस सी प्लस के साइन पे जाकर आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल प्लस भी, ठीक है। और इस वाली सीट को अपन डिलीट कर देते हैं, तो क्या मतलब इसमें चेंजेस कर सकते हैं ना आप, इसमें आपकी प्रोटेक्ट थोड़ी ना है ये वाली, आया समझ, वेरी गुड। नहीं भी आया होगा तो भी कोई बात नहीं सर, आप लोग तो कुछ ठीक। इसके बाद आप चाहते हैं कि हमारी सीट में टाइप भी नहीं हो और डिलीट भी नहीं हो, मतलब कोई एडिटिंग भी नहीं कर पाए और टाइप भी नहीं हो और जो डिलीट वगैरह है कॉपी वगैरह कुछ भी ऑप्शन अप्लाई नहीं हो, तो आप प्रोडक्ट वर्कबुक करते हैं। लेकिन वर्कबुक में क्या होगा, टाइप कर सकते हैं आप, हम बताते हैं, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे, इस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और ओके करेंगे तो आप इसमें टाइप करेंगे तो टाइप हो जाएगा, हो रहा है टाइप। लेकिन ये सीट को आप कॉपी नहीं कर पाएंगे, देखिए मूव कॉपी भी नहीं हो रही है आपकी और डिलीट भी नहीं हो रही, इंसर्ट भी नहीं हो रही है, टैप कलर वगैरह भी नहीं हो रहा, ठीक है, बस ये हो रहा है व्यू कोड और प्रोटेक्ट। तो फिर क्या मतलब, हाँ अब आप चाहते हैं कि आप इस प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो प्लस ही नहीं आएगा ना, तो इक्वल कहाँ से करेंगे आप, देखिए राइट क्लिक कीजिए इंसर्ट ही नहीं हो रही है आपकी सीट, हाँ पासवर्ड हटा देंगे फिर हो जाएगा, ठीक है
फिर यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी सीट को डिलीट भी नहीं कर पाए और उसमें कुछ टाइप भी नहीं कर पाए। तो आपने प्रोडक्ट वर्कबुक तो किया हुआ है, तो आप प्रोडक्ट सीट भी कर देंगे, फिर आप उस पार्ट कंफर्म करके ओके करेंगे। अब आप इसमें टाइप भी नहीं कर पाएंगे, नहीं हो रहा, और इस सीट को आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस सीट को आपने सेव कर दी, फोल्डर डिलीट कर देंगे। समझ गए ना? तो मतलब आपको क्या बोला हमने, दोबारा बोले। अरे आप लोगों को क्षमता बढ़ानी चाहिए समझने की। हम फिर से बोलते हैं, आपने आपकी सीट को प्रोटेक्ट तो कर दिया कि जिसमें कोई भी डेटा फिल नहीं कर पाएगा और डिलीट भी नहीं कर पाएगा, लेकिन सामने वाला पर्सन जब बहुत माइंडेड इंसान है, आपने जहां इसे सेव किया हुआ है, आप जानती हैं कि टाइटल बार में आपका यहाँ पे नाम बताता है किस नाम से सेव किया है, तो वो पहचान लेगा कि इस ड्राइव में यहाँ पे सेव है। अब यहाँ पे लेकिन ड्राइव थोड़ी ना बताएगा, और हो सकता है बता भी दे। तो आप सभी को पता है, फाइल पे क्लिक करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपकी ड्राइव भी शो करा देगा नाम के साथ साथ, वो लोकेशन निकाल लेगा। लोकेशन निकालने के बाद उस फोल्डर या उस फाइल को ही डिलीट कर देगा। तो फिर क्या मतलब प्रोडक्ट वर्कबुक और सीट बुक का? ऐसा करेगा? हाँ, ऐसा कोई नहीं करेगा, वो तो पता है, हम वो तो बता रहे हैं। पर दुश्मन की कमी नहीं है आज की दुनिया में। आप जैसे फ्रेंड समझ रहे हो ना, वो भी दुश्मन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करते हैं इसको, आप चाहे बात नहीं कीजिए, यहाँ पे अपन अनप्रोटेक्ट करना है। अब आप चाहते हैं कि इसमें हम कुछ टाइप कर पाए, तो आप सीट कर देंगे अनप्रोटेक्ट सीट, इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पासवर्ड दिया वो पासवर्ड दे देंगे और ओके कर देंगे। तो आपका यहाँ से अनप्रोटेक्ट हो गई। अब यहाँ पे आप कुछ टाइप करेंगे ना, तो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी डिलीट नहीं होगी अभी भी, ये सीट नहीं हो रही है। तो आप यहाँ से इसको अनवर्क प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वर्क, अनप्रोडक्ट वर्क बुक कर देंगे, और यहाँ पे आप पासवर्ड दे देंगे, ओके कर देंगे। अब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी भी, कोई बात नहीं सर, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऑनली देख पाएंगे, फिर नहीं होता। ठीक है, आया इतना? ठीक है, अब ये शेयर वर्क बुक वाला ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना, हम पूछेंगे क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। आप यहाँ पे शेयर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से शो होगा। तो आप इस ऑप्शन को, एलो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आपसे वो फर्स्ट टाइम में ये लोकेशन पूछेगा सेव करने के लिए, ओनली फर्स्ट टाइम में जब आप इस पे वर्क करेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जी ड्राइव में सेव कर देते हैं। पर आप यहाँ पे ड्राइव ले लेंगे और यहाँ पे आप नाम दे देंगे, जो भी आपको नाम देना है। ठीक है, सेव किया। अब आप पहचान पा रहे हैं कि ये शेयर हुई है या नहीं हुई, कैसे, कहाँ आ रहा है? हाँ, और भी बताइए। हाँ, और ये दोनों ऑप्शन आपके हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस टाइप से शेयर कर देंगे। अब आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं वो तो लिखा जाएगा आपका, ऐसा नहीं कि लिखा आएगा नहीं, देखिए लिख रहा है इसमें। ठीक है, तो आपने इसको शेयर कर दिया। अब यहाँ पे आपका आता है प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर, लेकिन ये पासवर्ड डालने के लिए आपको हाईलाइट नहीं करा रहा। देखिए आप डायरेक्ट ओके करेंगे ना तो वो आपके प्रोडक्ट तो कर देगा, यहाँ पर देखिए अनप्रोडक्ट ऑप्शन आ गया। अब आप इसमें कुछ टाइप कीजिए, मोहित हो गया, रोहित हो गया, सोहित कर देते हैं, सोहन कर देते हैं, देखिए टाइप हो रहा है, टाइप हो रहा है, तो इस टाइप से तो वो टाइप लेगा आप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अन प्रोडक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा।
नहीं मतलब शेयर से नहीं, अनप्रोडक्ट ऑप्शन हट जाएगा मतलब यहाँ से तो आ जाएगा। अब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अरे बात नहीं कीजिए, तो यहाँ पे वो आपको क्या बता रहा है, नाम बता रहा है, सॉरी डेट बता रहा है, कितनी तारीख को की है आपने और कितने बजे की है। तो आप चाहते कि अनशेयर कर दें यहाँ, तो इस ऑप्शन को अनसेलेक्ट करके और ओके कर देंगे और इसको यस कर देंगे। हट गया है यहाँ पे, ये दोनों ऑप्शन भी आपके हाईलाइट हो गए और इसके आगे जो शेयर लिखा हुआ आ रहा था वो भी रिमूव हो गया। ठीक है, तो आ जाएंगे आपको ये ऑप्शन। कुछ पूछना है इसमें, नहीं पूछना, तो इसके बाद अपने ये दो ऑप्शन और हैं, इनमें थोड़ी अलग प्रोसेस है, तो अपन ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मंडे को। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए इसने, मैं नहीं पूछना, क्लोज कर दें।